गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करूँगी। अभी है 12 o'clock। आज का दिन का भी शुरुआत हुआ है गार्डन में पेड़ पौधे को पानी देने के साथ। आज कुछ करूँगी खास, मैं आज बनाऊँगी जैविक खाद। पानी दो। इस तरह इधर आओ, इधर। तो आज आप लोगों को किस तरह से किस तरह से जैविक खाद मैं बनाऊंगी, कौन सी जैविक खाद, उसका क्या इम्पोर्टेंट है, क्या वैल्यू है और किस तरह से बनाया जाता है, इसमें क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो इस ब्लॉग को देखते रहिए। अच्छे से दो। शरबत पीना बहुत अच्छा लगता है। और आज इस जैविक खाद में मैं बनाने जा रही हूँ जीव अमृत। सारे चीज़ मेरे सामने है। सो जीव अमृत बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन है पेड़ पौधे के लिए, गार्डन के लिए, गार्डन की सॉइल के लिए, मिट्टी के लिए। ठीक है, तो शुरू करती हूँ चाय पीने के बाद। माँ थैंक यू चाय के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि इस जीव अमृत को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो मेन है हमारा गोबर। मैंने यहाँ पे 15 किलो गोबर लिया है। ये है गार्डन का मिट्टी, थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे 2 किलो गुड़ लिया है और यहाँ पे 4 किलो बेसन लिया है। पानी की भी व्यवस्था मैंने कर लिया है। यहाँ पे मैंने गुड़ को इस तरह से भिगा दूंगी क्योंकि गुड़ जो है काफी बड़े बड़े शेप में है, तो इसको लिक्विड होना जरूरी है। इस तरह से अभी जीव अमृत मैं इस बैरल में बनाऊंगी। सो इस बैरल में मैं डाल दूंगी ये मिट्टी। बेसन का सोल्यूशन हमने बनाए थे वो डालेंगे इस बैरल के अंदर में, जो गोबर का जो सोल्यूशन है उसके अंदर में। ये हमारा गुड़ की पानी। इस जैविक खाद जीव अमृत को बनाने के लिए जितने सारे चीज चाहिए था वो सबको अच्छे से पानी के साथ मिक्स करके इस बैरल में डाल दिया है। अब इस बैरल को मैं भर लूंगी, जो बाकी जो बचा है जगह उसको इस क्लीन पानी से भर लूंगी। अब बैरल को भरने दूंगी पानी और इसी बीच में मैं आप लोगों को कहूंगी कि इसमें गुड़ और जो मैंने बेसन डाली थी उसके क्या काम। तो गुड़ और जो बेसन है ये दोनों इस सॉल्यूशन में मिलके जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसको ज्यादा इन्हेंस करेगा। सो गुड़ से फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और इसको बनने के लिए लगता है 10 दिन। 10 दिन के अंदर में टोटली कंप्लीट हो जाएगा पौधे को देने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है।
सो सब काम हो चुका है। अब इस तरह की एक लकड़ी लूंगी और लकड़ी से जो सॉल्यूशन है उसको अच्छे से मिलाऊंगी। इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाना है और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। सो नीचे जो जमा हुआ गोबर, मिट्टी, गुड़, ये सब मिल जाएगा पानी में। और इस प्रोसेस को मुझे 10 दिन तक रेगुलर करना है, सुबह एक बार और इवनिंग को एक बार। इसको डाल दूंगी अभी फर्मेंटेशन होने के लिए। 10 दिन तक ये ऐसा ही रहेगा। सो आज का जो मेन काम था, गार्डन में पानी देना और जीव अमृत बना, वो हो चुका है। अब करूंगी फुल डे रिलैक्स, बच्चों के साथ मस्ती करूंगी। सो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो में।